मध्य प्रदेश टूरिस्ट पैलेस मांडू में स्वच्छता अभियान की खुलती पोल। बाहर से लग्जरी और अंदर से शौचालयों में गंदगी अपार। विश्व पर्यटक स्थल मांडू में स्वच्छता अभियान के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए के बिल अब तक निकाले जा चुके हैं। वहीं पर्यटकों के लिए यहां पर शौचालय के नाम पर अब तक कोई व्यवस्था नहीं है। जब भी यहां कोई पर्यटक मांडू पहुंचता है तो यह स्वच्छता दिखाई नहीं देती है। वहीं मांडू के शौचालय की हालत की बात करें तो वह इतनी गंदी हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से अंदर चला जाए तो बीमार होकर ही बाहर आएगा। यहां के शौचालयों में इतनी गंदगी है कि उसे बताया नहीं जा सकता। यहां पर न नालियों की सफाई होती है न ही शौचालयों की। वहीं एकमात्र सुलभ कॉम्प्लेक्स मांडू में हुआ करता था, जिसे नगर परिषद के द्वारा मध्य प्रदेश टूरिज्म को दे दिया गया। अब यहां आए दिन पर्यटक परेशान होते नजर आते रहते हैं। उन्हें बाथरूम के लिए भी यहां कोई जगह नहीं मिल रही है। महिलाएं और बच्चे होते हैं परेशान। वहीं मांडू टूरिस्ट जब घूमने आता है तो महिला और बच्चे बाथरूम के लिए परेशान होते नजर आते हैं। यहां पर नगर परिषद के पास 3 चलित शौचालय भी थे जो अब नजर नहीं आ रहे हैं। मांडू के शौचालय के साथ साथ यहां के 3 चलित शौचालय भी गायब है। यहां की अधिकतर चीजें ऐसे गायब होती है जैसे विक्रम के सर से बेताल। वहीं नगर परिषद के द्वारा अब तक जितने भी होर्डिंग लगे थे वह होर्डिंग आज तक दिखाई नहीं दे रहे, सभी के सभी लापता है। वहीं नगर परिषद के द्वारा आज तक जितनी भी चीजें जब्त की गई हैं, वह नगर परिषद से कहां गायब हुई उसका भी आज तक कोई पता नहीं है। नगर परिषद मांडू जादुई नगर परिषद मांडू हो गई है। यहां से हर चीज ऐसे गायब होती है जैसे कि हथेली से हाथी गायब हुआ। यहां आए दिन जन प्रतिनिधि अधिकारी को चमकाते नजर आते हैं और अधिकारी भी कठपुतली की तरह है, नाचते नजर आते हैं। जिस मांडू नगर परिषद में अधिकारी ही कठपुतली की तरह नाचता रहता है और वहां के कर्मचारियों के अधिकारियों से ज्यादा पावर रखते हैं, जो अधिकारियों को कुछ नहीं समझते हैं और उनका कहना यह रहता है कि हमारे ऊपर तो किसी का हाथ है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो अधिकारी हमारा क्या कर लेगा। मांडू टूरिस्ट पैलेस होने के नाते यहां पर कई सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन यहां के हालात देखते हुए पर्यटक यहां परेशान होता नजर आता है। मांडू पर्यटक नगरी होने के नाते यहां पर करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन वह करोड़ों रुपए कहां जाते हैं आज तक किसी को पता नहीं। भारत सरकार के द्वारा यहां पर G20 सम्मेलन में करोड़ों रुपए खर्च कर विकास किया गया था। आज एक वर्ष भी G20 सम्मेलन को नहीं हुआ है और G20 में जितना भी विकास हुआ था वह विकास अब गायब होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार मांडू में पैसा पानी की तरह बहा रही है, लेकिन यहां के भ्रष्ट जन प्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर उस बहते पानी में खुद नहाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ बूंदें भी मांडू की जमीन पर नहीं पड़ रही है। यह विश्व पर्यटक नगरी मांडू से अब जादुई नगरी मांडू हो चुकी है। एक तरफ तो मांडू के वर्तमान वार्ड 15 में लोग पानी की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं, वहीं मांडू के कई वार्ड में गर्मी की वजह से टैंकरों से पानी से रोड़ों की धुलाई की जा रही है ताकि वार्ड ठंडा रहे। एक तरफ लोग मौत के मुंह में जाकर पानी भर के ला रहे हैं तो एक तरफ लोग अपने मोहल्ले को ठंडा कर रहे हैं। वहीं एक तरफ पहाड़ी क्षेत्र में उतर कर पानी भर रहे हैं, वहीं एक तरफ फायर ब्रिगेड के माध्यम से नालियों को साफ किया जा रहा है। यह कैसी मांडू की तरक्की है जनता पूछ रही है। बहुत आती है लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।